खबर रीवा जिले से है, जहां विगत दिनों चरहटा थाना क्षेत्र के जेपी नगर में बाइक अनियंत्रित होने से एक युवक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक का अच्छा उपचार मिल सके इसके लिए उसके परिजनों ने परिचितों से सिफारिश करवाई। बताया जाता है कि यही सिफारिश उसे महंगी पड़ गई और चिकित्सकों ने नाराजगी व्यक्त की और घायल युवक की मौत हो गई। तो परिजनों ने डॉक्टर पर हत्या का आरोप लगाया। मृतक के भाई ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल उसके भाई को ऑक्सीजन न लगाकर भाप दिया जा रहा था। भाप लगाने वाला भी कोई डॉक्टर या नर्स नहीं बल्कि सफाई करने वाला कर्मचारी था। चिकित्सकों ने लापरवाही के कारण उसके भाई की जान चली गई। आइए आपको दिखाते हैं युवक की मौत से परिजनों ने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। सर मैं कहता ये सर किस दिन मैं अपने भाई को लेके आया यहाँ क्लिनिक में नीचे ले गए कुमार चौधरी है, ग्राम गढ़वा पोस्ट जेपी नगर रहने वाले निवासी। क्या घटना हो गई? हमारे भाई के चार दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। आ रहा था, दो लड़के थे उसमें से, जिसमें मेरा भाई भोपाल में रहता था, काम करता था, खाता कमाता था। आया था छुट्टी में एक दिन के लिए, यहाँ आया उसके जेपी सीमेंट जो थी कॉलोनी के पास आया, पता नहीं गाड़ी क्या कैसे क्या हुआ अपने से गिर गया और डिवाइडर में जाके उसके सर में यहाँ चोट लगी, जेपी की बाउंड्री में। फिर मैं वहाँ से उसको लेके आया एम्बुलेंस में सर, और यहाँ एडमिट किए 7 नंबर में संजय गांधी हॉस्पिटल में। हमसे पूछा गया जल्दी जल्दी जो भी कागज़ पत्र मांगे, हर चीज़ दिया गया उनको जितना था हमारे पास पूरा। हमने उनसे पूछा भी कि सर ये RI जो है आपकी ये स्कीन जो है, तो मेरे पास कार्ड है, श्रम कार्ड है। कहीं नहीं, वहाँ श्रम कार्ड नहीं चलता है। तो हम कहें सर नहीं चलता सर, मैं उसका बिल मेरे पास है, ये देखिए एक बार मैं दे के आया था बिल भी मेरे पास है। हालांकि डॉक्टर साहब भी मेरे से बिल मांग रहे थे, और शालिन तिवारी जी हमारे चाचा जी हैं गांव के, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प किए, आके यहाँ सिफारिश भी किए, कलेक्टर से भी किए, हमारे गांव के सरपंच साहब भी आए, उन्होंने भी हमारी मदद किए। और जो एक डॉक्टर था वही चाचा जी बोलता कि अब उसको बुलाओ शालिन को, अब कलेक्टर को बुलाए। ये सत्य बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब नीचे मैं यहाँ पर आया जब सर नीचे, वो डॉक्टर कौन था? डॉक्टर एक वहाँ पर हैं, और वो जो एक लड़की है वो बीड़ी पीती है सर। यहाँ के सर जितने डॉक्टर हैं, एक जितने भी स्टैंडर्ड डॉक्टर सर, कोई यहाँ नहीं बैठे हैं सारे, एक भी नहीं है। चलिए रीवा के कोई डॉक्टर तो मेरे को लिख के दीजिए, है कोई नहीं है, सब सारे उड़ीसा बिलासपुर के हैं। जो भी यहाँ का ईमानदार व्यक्ति है ये वर्दी लगा के खड़े हैं। पोछा लगाने वाला सर वहाँ मेरे भाई को ऑक्सीजन चढ़ा के सर, आप बताइए सर भाप किस में दिया जाता है, हमको बताइए आप किस मर्ज में भाप दिया जाता है आपको जानकारी नहीं है? एक्सीडेंटल में भाप दिया जाता है, नहीं दिया जाता ना, उसमें क्या दिया जाता, ऑक्सीजन दिया जाता है। एक छोटे बच्चे को सर जिसको बुखार आती सर उसको दिया जाता है भाप। हमारे भाई को सर बुखार नहीं थी, चापे नहीं, बस नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ चलिए यदि भगवान कुछ नहीं डर रहा हूँ, सूर उगे सर, ऑक्सीजन वो चढ़ाए नहीं है सर, भाप वाली मशीन चढ़ाए। मैं नीचे चाय पीने यहाँ भी एक डॉक्टर यहाँ बैठा था, हम बोले दिनेश पटेल के सर जाना मेरे भाई को ऑपरेशन किया यार, उनसे मैं हेल्प मांगूंगा। वो डॉक्टर को क्या बोलता है कि वहाँ अच्छे अच्छे वहाँ तेल लगाते हैं, वो 6 बजे सोते हैं ना तो 12 बजे उठते हैं। तो हम बोले होंगे उनके लिए भी कोई तोड़ आगा भाई, उनको बुलवाया जाएगा, कहीं तुम्हारे जैसे बहुत आए और गए। हम पूछे सर कहाँ से हैं, वो बोलते हैं हम लखनऊ के हैं। हम कहें सर इसीलिए हमारे संजय गांधी हॉस्पिटल में डेली मरते हैं सर, आप लोग की वजह सर। एक ईमानदार जो होता है सर वर्दी वाला जाए उसके घर में जाके देखिए सर उसकी बीवी बच्चे किस तरह अच्छे से जी रहे हैं, और जो सर नंबर 2 का पैसा ले जाए उसके बीवी बच्चे किस तरह साले अनाथ पड़े हैं, वही डॉक्टर के जाइए। मरीज का डेथ हुआ नहीं सर, किया गया मैं पूछता हूँ
इससे जब मैं पूछा 11 बजे हमारे पास से हमारे गांव के सालिन तिवारी जी भी आए थे, उन्होंने देखे कि भैया बीपी अच्छा है, हर चीज़ अच्छा। आज चलिए आपको भरोसा नहीं है, बीपी वाली मशीन जो लगती है ना सर, अभी भी वो मशीन हमारे 3 दिन से चेंज नहीं की, अभी तक मेरा भाई मरने को मर गया, उनको मैं हाथ जोड़ता रह गया, सर कुछ कर दीजिए सर, हो जाएगा, सोच रही मेरे को शंका था, हमको बोला था रमेश साकेत मेरे भाई का, हम यहाँ चाय पीने आए, वो डाकर मंगवाया। और सुनिए एक बात और सर, ये किसकी पर्ची है, आप भी पढ़े लिखे होंगे, किसकी है, है ना? अब ये बताइए सर, अब ये बताइए सर, ये जब हमारे पास है तो इनके पास ये डॉक्टर और मैडम जो है वो जो बैठे थे वहाँ पर, उनके पास कहाँ से आया आ रहा है ये, जो हमको क्यों नहीं मिला? और बोलते हैं कि एसपी कलेक्टर जो है ना कुछ नहीं है, हम लोग का राज है, मतलब हम लोग यहाँ के लोकल आदमी गांडू है ना, अच्छी बात है, जागो।